हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैक्ट स्मॉल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया की महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस के बारे में बताऊंगा, जिसकी शुरुआती कीमत 6.25 करोड़ रुपए से शुरू होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक टाइम में इस कंपनी को इस बात का गुमान था कि कोई भी इंडियन यानी कि कोई भी भारतीय उसके कार को खरीदने की औकात नहीं रखता है। अपने इसी गुमान के कारण उसने अनजाने में एक भारतीय व्यक्ति की बेइज्जती कर दी और उस भारतीय व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया कि एक कंपनी कुछ ही समय में घुटने पे आकर उस व्यक्ति से गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगने लगी। तो पूरा वाक्या क्या है वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे। फ्रेंड्स, शेयर के बारे में कौन नहीं जानता, हम सब शेयर के बारे में जानते हैं और हम में से कुछ लोग उसको खरीदते और बेचते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कितने का होता है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। दुनिया का सबसे महंगा शेयर करीब 3.5 करोड़ रुपए का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक शेयर की कीमत 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन ये शेयर कहाँ पे है और किस कंपनी का है, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपके सामने एक शब्द बोलता हूँ, सिक्का यानी कि क्वाइंस। इससे आपके दिमाग में एक तस्वीर उभरती होगी, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का या फिर 10 रुपये का सिक्का। लेकिन मैं आज आपको जिस सिक्के के बारे में बताने वाला हूँ वो पूरे 100 किलो वजनी ठोस सोने से बना हुआ सिक्का है। अरे बाबा! और ये सिक्का कहाँ पे है और इस सिक्के के साथ क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे वीडियो में। तो अंत तक बने रहें वीडियो में मेरे साथ। नंबर 4। फ्रेंड्स, अब हम आपको दुनिया के सबसे छोटे होटल के बारे में बताने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो छोटा होटल जो है वो जमीन पे नहीं बना हुआ है, 4 पहियों पे बना हुआ है, यानी कि एक गाड़ी के ऊपर है। अरे कहना क्या चाहते हो? उस छोटे होटल में 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक 5 स्टार होटल में जो जो फैसिलिटी होती है सारा उसमें मौजूद है और इसकी उसी खूबी के चलते लोग उस होटल के पास खींचे हुए चले आते हैं ठहरने के लिए। उस होटल की खासियत है कि उस होटल में एक बार में सिर्फ 2 ही लोग ठहर सकते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? रुको जरा, सबर करो। क्योंकि वो दुनिया का सबसे छोटा होटल है, जैसा कि नाम ही से लग रहा है, और 2 लोग जो ठहरते हैं उसमें ज्यादातर पति पत्नी होते हैं या फिर जो है कपल्स होते हैं जो कि आकर के वहां ठहरते हैं और उसकी बुकिंग जो है हमेशा रहती है। अगर आपको भी कभी वहाँ जाना हो तो पहले $56 दे करके आपको पहले बुकिंग करानी होगी, तब जो है वहाँ पे आपको ठहरने का मौका मिलेगा। और आज के हिसाब से $56 की कीमत लगभग 4,500 रुपये होती है, जो कि विदेश के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये होटल जो है जार्डन में है। नंबर 3। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है उस शेयर के बारे में जानने का जो कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर यानी कि 3.5 करोड़ रुपये का है। ये जिस कंपनी का शेयर है वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि वॉरेन बफेट नामक एक बहुत बड़े पूंजीपति की है। इस कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे। ये कंपनी जो है विश्व का सबसे महंगा शेयर निकालती है और उसको खरीदने वाले की संख्या भी लाखों में है। बर्कशायर हाथवे के साथ साथ वॉरेन बफेट चांदी के बहुत बड़े स्टॉकिस्ट हैं और उनका जो स्टॉक है वो कई 1,000 टनों में होता है। जब वो ये घोषणा करते हैं कि मुझे चांदी खरीदनी है तो पूरे विश्व में चांदी का रेट चढ़ जाता है, और जब वो ये घोषणा करते हैं कि मुझे चांदी बेचनी है तो पूरे विश्व में चांदी का भाव गिर जाता है, तो वो पूरे विश्व में चांदी की अर्थव्यवस्था को आराम से प्रभावित कर लेते हैं। नंबर 2। फ्रेंड्स, मैं आपको अब उस सिक्के के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे महंगा, सबसे भारी और सबसे कीमती सिक्का है। भारतीय रुपये में उस सिक्के की कीमत आज के हिसाब से 50 करोड़ रुपए है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिक्का 100 किलो वजनी है और ठोस सोने से बना हुआ है, और इतने बड़े सिक्के को देख करके अच्छे अच्छों को लालच आ जाए। तो हुआ यूँ था कि सन 2017 में ही जर्मनी में बर्लिन में बोर्ड म्यूजियम है, तो वहाँ पे ये सिक्का जो है अचानक चोरी हो गया, 100 किलो भारी सिक्का चोरी हो गया। इतना महंगा और भारी सिक्का जब चोरी हुआ तो पुलिस छानबीन में लगी। छानबीन में पता चला कि म्यूजियम के कर्मचारियों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया था, इतने भारी सिक्के को चुराया था।
अब आप सोचेंगे कि पता कैसे चला, उन्होंने एक बहुत छोटी सी गलती कर दी थी, नहीं तो वो कभी पकड़े नहीं जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने गूगल पे और यूट्यूब पे ये सर्च किया था कि सोने के सिक्के को, बड़े सिक्के को काट के कैसे गला करके इसको बेचा जाए, और पुलिस ने जब उनके मोबाइल को छानबीन किया तो पाया कि सर्च की हिस्ट्री में देखा कि एक कर्मचारी ने इसको सर्च किया था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो वो सारा कुछ उगल दिया और उसके साथ जितने लोग शामिल थे वो सारे लोग पकड़े गए और वो जेल में है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फ्रेंड सोचिए कि कितनी बड़ी, वो कितनी सफाई से चोरी को अंजाम दे दिए थे, लेकिन एक छोटी सी गलती के चलते उन्होंने अपना सर्च वाला हिस्ट्री नहीं मिटाया था, जिसके चलते उनके सारे किए कराए पे पानी फिर गया और वो जेल के सलाखों के पीछे है। नंबर वन फ्रेंड्स, रोल्स रॉयस कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा। ये इंग्लैंड की कार बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी एक कार की कीमत भारतीय रुपये में 6,25,00,000 रुपये के करीब होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये कंपनी जो है प्रीमियम क्वालिटी की लग्जरियस कारें बनाती है, जिसे कि बहुत बड़े बड़े रईस और पूंजीपति ही खरीद सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक टाइम में इस कंपनी को इस बात का घमंड था कि कोई भारतीय यानी कि कोई इंडियन उसकी कार को नहीं खरीद सकता है, उसकी औकात ही नहीं होती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को कि इस कंपनी ने कैसे एक भारतीय व्यक्ति की बेइज्जती की थी इसी बात को लेकर के, और उसके बाद उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया कि कंपनी घुटनों पर गिर के उससे माफ़ी मांगी। फ्रेंड्स, रोल्स रॉयस कंपनी को कौन नहीं जानता, ये कंपनियां महंगी गाड़ियां बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रीमियम क्वालिटी की लग्जरियस कारें बनाती हैं। एक समय था कि इस कंपनी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था अपनी कारों पे। घटना 1920 की है, जब हमारा भारत जो था गुलाम था, आज़ाद नहीं था, और इस कंपनी को इतना गुमान था अपने ऊपर, उसे लगता था कि कोई भारतीय हमारी कार खरीदने की औकात नहीं रखता है। तो हुआ यूँ कि राजस्थान के अलवर प्रांत के महाराजा, आपको ये भी जानकारी दे दूं कि उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था, और उस समय भारत राज्यों का संघ नहीं था, सारे राज्य अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे और हर रियासत के अलग अलग राजा होते थे। तो अलवर प्रांत के महाराजा जय सिंह लंदन घूमने के लिए गए हुए थे। लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने एक दिन सोचा कि थोड़ा लंदन घूम लेते हैं। तो लंदन घूमते घूमते वो लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट इलाके में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इस कार का शोरूम देखा, रोल्स रॉयस का, और शोरूम देखने के बाद वो अंदर चले गए। वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उस शोरूम के मैनेजर से कहा कि थोड़ा कार्स का फीचर वगैरह हमें बतवाइए। तो मैनेजर ने उन्हें सादे कपड़ों में देखा था तो वो नहीं समझ पाया कि ये कहीं के महाराजा हैं। मैनेजर ने सोचा कि ये कोई आम व्यक्ति है, आम भारतीय है, और ये सोच करके उसने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही था कि भारत तो गुलाम है और किसी भारतीय की तो औकात होगी नहीं कि वो इन महंगी कारों को खरीद पाए। खैर, मैनेजर ने तो नज़रअंदाज किया ही, जो वहाँ सेल्समैन था उसने भी महाराजा की बहुत बेइज्जती की, और सिर्फ इतना ही नहीं किया, सिर्फ धक्का मार के निकाला नहीं उन्हें, बाकी उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। इन सब बातों से महाराजा बहुत आहत हुए, लेकिन उन्होंने उस समय अपना परिचय वहाँ नहीं दिया, वो चुपचाप वहाँ से होटल चले आए। लेकिन ये बात उनको बहुत ज़्यादा कचोट रही थी, वो अपमान का कड़वा घूंट पी करके आए थे। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाया जो उनके सेवादार होते हैं, और उनसे तुरंत फ़ोन लगवाया रोल्स रॉयस कंपनी को, क्योंकि उन्हें दिमाग में आ गया था कि मुझे इस कंपनी को अच्छे से सबक सिखाना है। उन्होंने फ़ोन लगवाया अपने सेवादारों से और कहलवाया शोरूम के मैनेजर से कि अलवर के महाराजा जय सिंह आ रहे हैं कार लेने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे कुछ समय के बाद तो देखा उन्होंने कि उनके स्वागत में पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ है, और मैनेजर और वो जो सेल्समैन था वो दोनों भी वहाँ थे और एकदम नतमस्तक खड़े थे उनके स्वागत में। खैर, महाराजा वहाँ गए और जाने के बाद वहाँ पे खड़ी सारी जो 6 कारें खड़ी थी वहाँ पे, उन सबको उन्होंने खरीद लिया और नगद भुगतान भी कर दिया, और साथ में भारत भेजने के लिए
उसको अलग से पैसे भी दिए ताकि इसको भारत सही सलामत पहुंचा दिया जाए। उसके बाद महाराजा वहां से वापस चले गए। उसके बाद महाराजा भारत चले आए। कुछ समय के बाद जब कारें अलवर में पहुंची तो महाराजा ने उन कारों को नगर पालिका वालों को सौंप दिया और कहा कि इसे कूड़े उठवाए जाएँ और गंदगी साफ करवाई जाए। उस ज़माने में रोल्स रॉयस कंपनी बहुत ही नामी कंपनी थी, पूरी दुनिया में उसका नाम था। लेकिन महाराजा जय सिंह द्वारा कचरा उठाने की बात पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। और अगर कोई कहता इस घटना के बाद से कि मुझे रोल्स रॉयस कार लेनी है तो सामने वाला व्यक्ति पूछ उठता कि वही महाराजा जय सिंह वाली कार जिससे वो कचरा उठवाते हैं। ये सुनकर के सामने वाला चुप हो जाता, शर्मिंदा हो जाता। ये कारें कचरा ढुलाई और गंदगी उठाने के चलते पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी और इसकी स्थिति ये हो गई कि कोई अब इन कारों को खरीदना नहीं चाहता था। कंपनी के मालिक को भारी घाटा होने लगा क्योंकि उसकी कारें सेल हो ही नहीं रही थी। तब कंपनी के मालिक ने इस पूरी घटना की जानकारी ली जिसमें उससे पता चला कि मैनेजर और सेल्समैन ने कैसे महाराजा की बेइज्जती की थी। उसके बाद मालिक को गलती का एहसास हुआ। उसने तत्काल महाराजा जय सिंह के से संपर्क किया और संपर्क करके उनसे माफ़ी मांगी और साथ में उन्हें 6 नई कारें फ्री में देने की पेशकश की। उसके बाद जो है महाराजा को लगा कि अब कंपनी अपने औकात में आ गई है, अपने घुटनों पर आ गई है। तब उन्होंने कंपनी को माफ़ किया, उनके कलेजे को ठंडक पड़ी और उन कारों से कचरा उठवाना बंद किया। तो ये थी अंग्रेज़ों को घुटने पर लाने की महाराजा जय सिंह की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, जो कि बिल्कुल सही घटना है, इतिहास में दर्ज है, इसके बारे में आप चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स और मिलते हैं जल्दी ही नए फैक्ट्स के साथ।